विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्ष की तरफ से के सुरेश को स्पीकर पद उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर पद सर्वसम्मति से ना होकर चुनाव के उस प्रक्रिया से गुजरेगा। हालांकि चुनाव के प्रक्रिया से गुजरता है लेकिन सर्वसम्मति के साथ ही। अभी तक कैंडिडेट किसी भी विपक्ष में नहीं खड़ा किया गया। जब से इतिहास आपने जाना है इस अध्यक्ष पद का, दो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल किया एनडीए की तरफ से, गृहमंत्री अमित शाह, तमाम एनडीए के सहयोगी दल, आपको अनुप्रिया पटेल, तमाम लोग दिख रहे हैं, चिराग पासवान, तो वहीं जेपी नड्डा, तो वहीं आपको के सुरेश ने नामांकन अपना दाखिल किया। विपक्ष की तरफ से केसी वेणुगोपाल के साथ इंडिया के गठबंधन के साथ ही आपको नजर आ रहे हैं। तो ये टफ फाइट है। अब लोग 18वीं लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए दोनों तरफ से, एक तरफ से पक्ष, एक तरफ से विपक्ष, दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया। कल होगा चुनाव सुबह 11 बजे। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे वो होगा इस बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष पद पर तैनात। अब देखना होगा। हालांकि विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम अध्यक्ष पद की सहमति देते हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही अध्यक्ष पद के लिए के सुरेश को उतार दिया और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। विपक्ष लगातार यही कर रहा था कि डिप्टी स्पीकर पद की उनको मांग थी, स्पीकर पद के लिए वो बकायदा तैयार थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश या फिर विपक्ष की तरफ से ये बताने की कोशिश कि इस बार संसद उतना आसान नहीं रहेगा सत्र जितना 2019 से 2024 तक हो गया, और इसकी शुरुआत, इसकी कवायद विपक्ष की तरफ से फिलहाल अभी कर दी गई है। बताते चले केरल से सांसद है विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश, अच्छी खासी पकड़ है, 8 बार सांसदी कर चुके हैं। वहीं कोटा से अगर बात करें तो 3री बार हैट्रिक लगाई है, जीत हासिल की है ओम बिरला ने, बेहद ही अच्छी पर्सनालिटी इनकी मानी जाती है, संसद को अच्छे तरीके से चलाते हैं, पक्ष और विपक्ष में दोनों संतुलन बना के चलते हैं। तो इसमें एक बार चुनने के बाद पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, तो इसलिए जब भी डिप्टी स्पीकर का चुनाव आता है हम फिर से सब बैठेंगे, चर्चा करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये तो जब कहने के बावजूद भी प्री कंडीशन लगा के पहली बार इन लोगों ने कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, संख्या बल हमारे हमारे पास है ही है, लेकिन ये अच्छे परंपरा के लिए, जो संसदीय परंपरा है, ये अच्छे परंपरा के लिए खिलाफ है। तो इसलिए मैं अभी भी उन लोगों से निवेदन करता हूं, विपक्ष के सभी नेताओं से मैं निवेदन करता हूं, कृपया पुनः सोचिए, पुनः एक बार विचार कर दीजिए, आप सब लोग बैठिए, तो अच्छे एक परंपरा रखने के लिए, हेल्दी ट्रेडिशन रखने के लिए आप कृपया विचार करिए और सर्वसम्मति से स्पीकर चुनाने के लिए आप लोग सहयोग करिए, यही मेरा प्रार्थना। तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, इन्होंने बोला, ये बोलते हुए नजर आए कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है लेकिन जो परंपरा है उसमें अड़चन पैदा करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। पहली बार ऐसा इतिहास में होगा कि सर्वसम्मति से ना चुनकर अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए विपक्ष ने भी अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है। फिलहाल दो ग्राफिक्स के जरिए बेहद आपको ये बता रहे हैं कि ओम बिरला का इतिहास क्या रहा है और कौन है के सुरेश जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए हैं। केरल के मलविकारा के लोकसभा अध्यक्ष जीत कर आए हैं लोकसभा, साल 1989 से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और उसके बाद 7 बार सांसदी जीते हैं, 3 बार 2014, 2019 और 2024 में, तीनों बार हैट्रिक से कोटा से जीत दर्ज करके सांसद तक पहुंचे। 2017 में ओम बिरला को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, 2018 में एक बार फिर से इनके नाम की चर्चा। वहीं आपको बता दें कि एनडीए के साथ 293 यानी कि बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू और तमाम अन्य पार्टियां हैं और वहीं इंडिया गठबंधन के साथ उसके सहयोगी हैं। एक तरफ जहां आंकड़ा बिल्कुल ये बताता है कि कल का चुनाव अगर होगा तो ओम बिरला के पक्ष में सारे वोट पड़ेंगे यानी बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है। अब देखना ये होगा। हालांकि राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से लगातार बात भी की लेकिन सहमति नहीं बन पाई। केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर कहा कि डिप्टी स्पीकर पद पर आनाकानी का आरोप भी लगाया सत्ता पक्ष की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का जो पद था उसको देने में ही आनाकानी कर रहे थे और इसीलिए हमने ये काम किया है। तो एक तरफ विपक्ष तो कह रहा है कि कोई परंपरा कुछ नहीं होता है, होना ही चाहिए चुनाव और हम कैंडिडेट खड़ा करने की हमारे पास ये डेमोक्रेटिक राइट है, तो वहीं एक तरफ से विपक्ष ये कह रहा है कि इस कवायद को तोड़ने की कोशिश की गई है, परंपरा में एक तरह से उसको ना निभाते हुए उसमें सेंधमारी करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई है। फिलहाल ये बेहद ही ट्विस्ट एंड टर्न वाला गेम अब हो चुका है लोकसभा अध्यक्ष पद का।
तो कोटा में ओम बिरला के घर पर कार्यकर्ताओं ने खुशी भी जाहिर की है। घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा में ओम बिरला के घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। खुशी की लहर, जीत तो दर्ज की, लेकिन एक बार फिर से उनके अध्यक्ष पद का नाम दाखिल किया गया है, चुना गया है और उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया। तो ये खुशी की लहर उनके कोटा के आवास के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। तो अगर हम ओम बिरला की बात करें तो डिसीजन लेने में ओम बिरला कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ओम बिरला ने अगर हमें देखा तो सीधे जब दिसंबर की बात हुई थी जहां पर वॉकआउट कर रहे थे सभी सांसद, वहां पे टफ डिसीजन लेना हो। एक बार फिर स्पीकर के उम्मीदवार होंगे ओम बिरला और ओम बिरला ने अपना नामांकन लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के पद के लिए दाखिल कर दिया है। और फिलहाल कोटा में हम लोकसभा अध्यक्ष जो पिछली संसद थे उसके ओम बिरला के घर के बाहर ही हैं। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखेंगे, 17वीं लोकसभा के लिए उससे ज्यादा अच्छी 18वीं लोकसभा के लिए और सभी देशवासी कोटा में ओम बिरला जी का नाम को साइन करें। जश्न का मौका है आज। हाँ, जश्न का मौका है आज और कल। आज आगे की तरह बनाया जाएगा कोटा बूंदी के लिए और हर गांव डाणी में मिठाई ढोल नगाड़े पूरे आज से चालू हो गए। आज से दो दिन तक, तीन दिन तक, जब तक भाई साहब आएंगे पूरे जोश के साथ उनको लोग लेके आएंगे। निश्चित तौर पर ये बड़ी खुशी का पल है क्योंकि 17वीं लोकसभा को जिस तरह से चलाया और आज दोबारा से उम्मीदवार बनाया ओम बिरला को और कल चैन, ये हार होती नहीं पूरे राजस्थान के लिए, भाजपा के कार्यकर्ता के लिए, सभी के लिए खुशी की बात है क्योंकि जिस प्रकार से ओम बिरला जी काम करते हैं उनकी कार्य करने की शैली ऐसी, एक एक कार्यकर्ता को, एक 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 सांसद को, सभी को साथ लेकर जो काम किया है उसी की वजह से आज पुनः उनको दोबारा मौका मिला है और ये कोटा के लिए विशेष तौर से बहुत खुशी की बात है। तो कोटा के बाहर की सीधे तस्वीरें, उनके जो समर्थक, उनसे जो प्यार करते हैं ओम बिरला से, उनके बारे में भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, जैसे वो लोगों से जुड़ाव रखते हैं, इसलिए उनको इस बार कोटा ने जीत कर भी जिताया भी इस बार तीसरी बार और इसीलिए उनको इस बार मौका भी मिला है फिर से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर। फिलहाल राहुल के साथ कौन कौन है आप देख सकते हैं, डीएमके के साथ आरजेडी, अदर्स और भी हैं, समाजवादी पार्टी है, तो वहीं एनडीए के साथ 293 सीटों के साथ बीजेपी, टीडीयू, टीडीपी, जेडीयू, तमाम अन्य पार्टियां आपको नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते